जिसकी अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता गीत नया गाता। एक बरस बीत गया झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया। सीतचों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्त गीत गया, एक बरस बीत गया एक बरस। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। कल कछार में बीच धार में घोर घड़ा में भूत प्यार में खड़क जीत में दीर्घ हार में जीवन के शतशत आकर्षक परमाणु को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मौत से ठन गई जूझने का मेरा कोई इरादा न था, बोर्ड पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। अंदाजे बयां अटल है, ये सिर्फ अटल की जुबान में कविता भर नहीं है, बल्कि ये अटल के विचारों का पूरा परिचय है, उनके विचारों की बुनियाद है। मुझे किसी से नहीं शिकायत, ये कविता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मन में हिंदुत्व की गहराइयों को बयां करती है। अटल जी का रग रग उनका हिंदू परिचय बताता है, लेकिन अपने इस परिचय को उन्होंने अपने उदारवाद और सबको साथ लेकर चलने की परंपरा पर हावी नहीं होने दिया। वाजपेयी जी का यकीन ऐसे भारत में रहा है कि जिसमें आम आदमी की जीत की मिसाल दी गई है। शंकर का वह क्रोधा न कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआं धार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू मेरा। मस्त मौला तबियत के वाजपेयी झूम कर कविता पढ़ना जिनकी अदा रही, ठहाके लगाकर हंसने के लिए जाने जाते रहे। अटल जी ऐसी पार्टी में रहे जिसे राजनीतिक गलियारों में अछूत माना जाता रहा। लेकिन अटल ऐसे नेता थे जिनके मुरीद हर पार्टी में हैं। वो भाषण नहीं देते थे, दिल की बात रखते, उन्हें सुनने वाले दम साधे सुनते रहते, सिर्फ तालियां बजाते। देश की राजनीति को अगर नैतिक मूल्यों पर चलाने का संकल्प किसी ने किया है और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। 14 बरस का एक बच्चा कोने में बैठा फोटो खिंचवाने में मशगूल था, लेकिन किसे पता था कि ये बच्चा भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा। सन 1947 में जब देश को आजादी मिली और यौवन की दहलीज पर खड़े अटल जी का कवि मन गीतों के बयार में बहने लगा, कविता करना उनका शगल हो गया। कविता के साथ साथ अटल जी ने खुद को पत्रकारिता में भी आजमाना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा था जब उन्हें एक कवि, पत्रकार और आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में सामंजस्य बनाए रखना था। Okay.
हुए सपने की सुने कौन सिसकी। आदमी की सिसकी हम सुनते हैं, अपनी सिसकी सुनते हैं, मगर अगर सपना टूट जाए तो सिसकी कौन सुनेगा। और हम कितने सपने देखते हैं और तोड़ते हैं और उनकी सिसकियों को भी छोड़ देते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर यथा पलकों पर खिटकी, आंसू गिरेगा नहीं। अंतर को चीर यथा पलकों पर खिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता बिठाता हूं गीत नया। 1947 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीति में सीधे तौर पर प्रवेश हुआ जब वो लोकसभा का चुनाव जीते। राजनीति के इस रास्ते पर लगातार वो बढ़ते रहे, लेकिन अटल जी की संवेदना उनके कवि मन को झकझोरती रही। आपातकाल उनके मन में सचमुच किसी सदमे से कम नहीं था। ऐसे में भला अटल का कवि मन कैसे चुप रहता, फिर चाहे खुला आसमान का परिंदा हो या फिर जेल का कैदी। एक बरस बीत गया, झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया। एक बरस बीत गया, सीतचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्त गीत गया। एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। जिस बीजेपी पर मजहब की बुनियाद पर कट्टरता की तरफदारी करने का आरोप लगा था, जिस बीजेपी को लंबे वक्त तक सियासी दल अछूत की तरह देखते थे, ये अटल जी की शख्सियत का ही जादू था कि विरोधी भी उनके मुरीद बन बैठे। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दुपहरी में दियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तमका नेह छोड़े, बुझी हुई बाती गाएं, आओ। आज से ठीक एक साल पहले अटल जी की अंतिम विदाई दी गई थी। संसद के सेंट्रल हॉल में अटल जी की ये तस्वीर यूं ही सदैव मुस्कुराती रहेगी। लोकतंत्र के मंदिर में आने वाले हर चेहरे को याद दिलाएगी भारतीय राजनीति के उस अजात शत्रु की, जो संसद में विपक्षी विरोध का सुर बनकर गूंजता रहा। 5 दशक तक जिस संसद ने अटल जी की सौम्य सियासत देखी, जिनकी आवाज को देश के दिल में उतरते देखा, जो राजधर्म पर अटल रहे, जिन्होंने सियासत को राजधर्म का पाठ पढ़ाया, उन अटल जी को पहली पुण्यतिथि पर जी हिंदुस्तान की श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिवार।